ठीक है जी जी बकरे को भी नहला दे इस लिम्का रिकॉर्ड्स के लिए जो एंट्रीज उन्होंने शामिल किए हैं वह 28 मार्च 2016 से 3 मार्च 2019 तक की अवधि में जितनी सेवाएं हमने की थी 1309 सेवाएं तब तक हुई थी उनको इन्होंने इस रिकॉर्ड लिम्का बुक में शामिल किया है। लेकिन ये सेवा का सिलसिला लगातार जारी है और यदि वर्तमान आज की अगर हम गिनती की बात करें तो यह सेवा लगभग 2000 से ऊपर पहुंच चुकी है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी रक्त परीक्षण की जो दावेदारी की गई थी वो कहां तक पहुंची और उसकी प्रक्रिया कहां तक आई? उस दावेदारी में हमारा लक्ष्य तो 151,000 करके रिकॉर्ड बनाने का था, लेकिन हम गंजवासुदा में उस रिकॉर्ड की संख्या को पाने के लिए सेवा करने जब पहुँचे तो ईश्वर ने पहले ही दिन हमको 151,000 की संख्या तक पहुंचा दिया था। लेकिन हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ एक उद्देश्य और था कि हम उस जगह की एक ऐसी व्यवस्थित डायरेक्टरी तैयार करें जो लोगों की जान बचाने काम आए, इसलिए हम लगातार बासुदा के नेहरू चौक पर 8 दिन सेवा करते रहे। आंकड़ा हमने 151 का सोचा था लेकिन वह 173,000 तक पहुँच गया है और अब हमारी इच्छा ये है कि हम सिरोंज, कुरबाई, लटेरी, शमसाबाद, नटेरन, ग्यारसपुर ऐसा हमारे विदिशा ज़िले के जो खास खास पॉइंट हैं वहाँ पर हम जाएं और हम एक हेल्दी डायरेक्टरी तैयार कर सकें ताकि वह लोगों की जान बचाने काम आए, इसके बाद पर हम उसका समापन करें। नहीं, जो बात अभी अमित जी ने कहा कि वो अपनी जो प्रोसेस था वो कहाँ तक पहुँचा है उसके बारे में सोच रहे हैं? उसकी संख्या 173,000 पहुँच चुकी है और सेवा कार्य निरंतर जारी है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ दूसरी बार कि हमारा उद्देश्य विश्व रिकॉर्ड बनाने का नहीं है, विश्व रिकॉर्ड बनाने के पीछे लोगों की सेवा करना हमारा उद्देश्य है। जैसा कि अब चूँकि प्रसंग है इसलिए मैं बता रहा हूँ, 80 घंटे बोलने का भी जब रिकॉर्ड हम लोगों ने तय किया था तो वह एक अट्रैक्शन के लिए हम 80 घंटे बोले थे, लेकिन उसके पीछे भी हमारा उद्देश्य था कि हम लोगों से वस्त्र दान कराएं, नेत्र दान कराएं, देह दान कराएं, रक्त दान कराएं, पुराने मेडिकल इक्विपमेंट कराएं। तो इसी तरह से ये भी जो हमारा विश्व रिकॉर्ड बनाने का उद्देश्य है निःशुल्क ब्लड ग्रुप कार्ड का, उसके पीछे जो हमारी भावना है वो ये है कि हम एक ज़िले की इतनी एक बड़ी डायरेक्टरी तैयार कर पाएँ कि जब कभी भी किसी को रक्त की आवश्यकता हो तो वो अपने मोहल्ले में ही अपने घर के आजू बाजू से ही रक्त की व्यवस्था करने में सहायक हो। धन्यवाद।